जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखो। तेरे कारण हो ये सब। तूने उस त्रोय को इस कारागार से भेजा। तेरे कारण मेरी पुत्री आज संकट में है। बहुत बुरा हुआ है। कितनी पीड़ा हो रही होगी ना नंद, जो दूसरों को घाव देता है आज उस पर पहली बार प्रहार हुआ है। परंतु पीड़ा किस बात की? अपनी बेटी की या अपने अभिमान पर लगे हुए एक चोट? चोट एक साधारण सा लड़का मगध नरेश महापद्मानंद की बेटी को आंखों के सामने से भगा ले गया और उसका पिता कुछ भी नहीं कर पाया। एक निहत्ते के सामने पूरा मगध सैन्य बलमुख रह गया। क्यों? आया ना माथे पर सीना, रोम रोम चल रहा है, लेकिन तू कुछ नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही उन पिताओं की तरह जिनकी पुत्रियों को तो उठा ले जाया करता था। ओहो, तेरी दाढ़ी तो पड़ गई है। विवशता और संकट में कितनी बड़ी हो जाती है ना। नापे बुलवा बुलवा बुलवा। अरे नहीं 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 नहीं, तुझे तो नापे से डर लगता है। डर लगता है ना कि कहीं वो तेरा गला भी ना काट दे, ठीक उसी तरह जैसे तूने महाराज शिशुना का काटा था। चुप चुप। एक शब्द है मुख से नहीं। तेरे कर वो लड़का यहाँ से भागा। भागा था, यहाँ से भागा था। नंद, अपना समय मुझ पर व्यर्थ मत कर। हो सके तो जा, जाके अपनी पुत्री को ढूंढ ले। स्मरण रखना मुरा, यदि मेरी पुत्री को खरोच भी आई तो प्राण ले लूंगा तेरे। प्राण लेगा? मेरी सांसें तेरी दया पर नहीं चलती है नंद। मेरी आंखें खुली है ताकि मैं तुझे दया की भीख मांगते हुए देख सकूं। मैं जीवित हूं ताकि मैं उन पापों को तुझ तक पहुंचते हुए देख सकूं जो तूने किया है। विनाश को पाटलिपुत्र पर तांडव करते हुए देखना चाहती हूं मैं। अब तक मैं पीड़ा में चीखती थी और तू हंसता था, लेकिन अब तू रोएगा और मैं तालियां बजाऊंगी। तुझे खून के आंसू रोते हुए देखना चाहती हूं मैं। तेरे विनाश से पहले मैं मरने वाली नहीं हूं। आपकी पुत्री को तो बचा ना सका और मुझे मारने का दम नहीं है तुझमें। महाराज, राजकुमारी राजनंदिनी राजभवन लौट आई है। कहाँ है वो? पिता महाराज। मेरी बच्ची, क्या दशा कर दी दुष्ट ने तेरे। चलो मत रहो। पिता महाराज, तुम ठीक हो ना मेरी बच्ची? उसे तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई ना? पिता महाराज मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। मैं आपकी पुत्री नहीं, आपकी शिष्या भी हूँ। चोट पहुंचाना तो दूर, कोई मुझे हाथ तक नहीं लगा सकता। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया हो। ये सिंहासन, ये राज्य, ये वैभव सब बेकार जान पड़े। पहली बार तेरा पिता भयभीत था। इसीलिए मैं आपसे कभी दूर नहीं जाना चाहती हूँ पिता महाराज। दो घड़ी में आपसे दूर कह गई, क्या दशा बना लिया आपने। सदा के लिए चली जाऊं तो? यहां नंदिनी अपने पिता के पास लौट आई थी। वहां चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र से दूर जा रहा था तक्षशिला की ओर। वो नहीं जानता था
कि तक्षशिला में एक और ही बवंडर आया हुआ है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।